बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं साहिबा बानो ले चलती हूँ झांसी की कुछ अहम खबरों की ओर। झांसी बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन की ओर आकर्षित कराते हुए निवेदन के साथ कहना है कि दिनांक 30 जून 2020 को आप मान्यवर के आगमन पर बुंदेलखंड क्षेत्र में किए जा रहे अवैध खनन का वीडियो एवं फोटो साक्ष्य सहित पेन ड्राइव में आप मान्यवर सौंपने के लिए भेंट किए जाने की अनुमति चाही थी। आप मान्यवर से भेंट अनुमति की जगह मुझे हाउस अरेस्ट कर अवैध खनन के साक्ष्य दिए जाने से रोका गया। ज्ञापन में कहा गया है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में खनिजों का आकूत भंडार है, जिसका अवैध खनन चौकी नियुक्त पुलिस कर्मियों, खनन अधिकारियों एवं राजनेताओं की मिलीभगत से बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र में अवैध खनन पर सख्ती से रोक लगाने पर भारी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति सरकार को हो सकती है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है कि खनन अधिकारी एवं चौकी इंचार्ज के क्षेत्र में अवैध खनन पकड़ा जाए, उनके विरुद्ध FIR कराई जाए, साथ ही विभिन्न भी कठोर कार्यवाही भी की जाए, जिसके संरक्षण में अवैध खनन फल फूल रहा है। राज्य सरकार का राजस्व बड़े स्वयं ट्रैक्टर ट्रॉली से घाटों से बालू व मोरम से ले जाने की अनुमति प्रदान की जाए। बालू मोरम को अपनी निजी ट्रैक्टर ट्रॉलियां बैलगाड़ियों से ले जाने के लिए राजस्व की धनराशि MM11 घाट पर ही रसीद काट कर राजस्व वसूल करा लिया जाए। ज्ञापन भेंट करने वाले में मोर्चा के पदाधिकारियों में महामंत्री अशोक सक्सेना एडवोकेट, कोषाध्यक्ष वरुण अग्रवाल, हमीदा अंजुम, रजूराज शर्मा, प्रवक्ता देवी सिंह कुशवाहा, उत्कर्ष साहू, गिरिजा शंकर राय, पंकज मिश्रा नोटा, ललित पराशर, गोलू ठाकुर, पार्षद पुष्पेंद्र वर्मा, नरेश वर्मा, ब्रजेश राय, कुंवर बहादुर आमिद, जयकरण निर्मोही, हनीफ खान पत्रकार, अनिल कश्यप, प्रभु दयाल कुशवाहा, BR निषाद पत्रकार, भट्टा गुरु, राम गुप्ता सदर, अनिल कुमार, राकेश त्रिपाठी, पुनीत सक्सेना, विकास शर्मा अध्यक्ष बुंदेलखंड जनक्रांति सेना के अध्यक्ष विकास शर्मा, मकबूल हुसैन सिद्दीकी व शुभम गौतम ने समर्थन देकर सहयोग किया। बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा से हरि मोहन विश्वकर्मा व अजय शर्मा ने अपनी सहभागिता निभाकर चेतावनी देते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात की। झांसी से संवाददाता मनीष अली की रिपोर्ट। जी क्या क्या पंडाल आज आपका? आज ये जो हमारे बुंदेलखंड की छाती को छलनी करने का कार्य किया जा रहा है, लगातार अखबारों में माननीय मुख्यमंत्री जी की, हमारे पीछे जो जिलाधिकारी जी का ऑफिस है, इनकी विज्ञप्तियां छपती रहती हैं कि अवैध निर्माण पर, अवैध खनन पर सख्ती से निपटा जाएगा, लेकिन लगातार अखबारों में, सोशल मीडिया पर वीडियो डले हुए हैं किस तरह से अवैध खनन हो रहा है। इस अवैध खनन को रोकना इसलिए आवश्यक है कि बुंदेलखंड की जो हमारी छाती है, इसको छलनी होने से अगर हम नहीं बचा पाएंगे तो आने वाली पीढ़ी हमारी तरस जाएगी पानी को, आने वाली पीढ़ी को लगातार सूखे का ही सामना करना पड़ेगा। आज हम लोग ये जो देने आए हैं ज्ञापन, इसमें एक मांग लेके आए हैं कि जिस अधिकारी, इस जिस खनन अधिकारी के क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा हो, जिस चौकी के क्षेत्र में अवैध खनन पकड़ा जाए, उनके खिलाफ FIR करी जाए। साथ ही हम बुंदेलखंड वासियों को अगर अपना निजी मकान बनाने के लिए मुरम की, बालू की आवश्यकता होती है, तो हम अगर अपनी ट्रॉली लेके आ रहे हैं तो एक MM11 जो आपकी रसीद कटती है देतेगी, आप हमसे कटवा लीजिए और वो आप हमको दे दीजिए। ये जो लगातार बाहर की कंपनियां आगे यह कार्य कर रही हैं, ये बुंदेलखंड की धरती पर अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।